हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सैमसंग गैलेक्सी का आने वाला बिल्कुल ही नया वेरिएंट S20 FE। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि गैलेक्सी S20 FE को बुधवार को गैलेक्सी S20 फ्लैगशिप सीरीज के सबसे लाइट मॉडल के रूप में पेश कर दिया है। और हालांकि ये जो फ़ोन है इसमें स्पेसिफिकेशन के मामले में ज़्यादा लाइट नहीं है, लेकिन बात की जाए यहाँ पर गैलेक्सी S20 फैन एडिशन के बारे में, तो हम आपको बता देते हैं कि ये अपने बड़े भाई गैलेक्सी S20 के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ट्रिपल रियल कैमरे का सेटअप मिलता है और होल पंचिंग डिस्प्ले मिलता है जिसका 120 GHz इसमें पैनल देखने को मिल जाएगा। और वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ इसमें वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब अगर बात की जाए इसके हाल की, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 865 चिपसेट वाला प्रोसेसर। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE युवाओं को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। और ये जो फ़ोन है वो 4G और 5G दोनों वेरियंट में अवेलेबल है। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की कीमत है जो कि 5G मॉडल के लिए वो तकरीबन 51,400 रुपये के करीब हो सकती है। अब अगर बात की जाए 4G मॉडल की, तो इसमें कीमत अपन लगा नहीं सकते, लेकिन बात यहाँ पर अगर फ़ोन में इसके स्पेसिफिकेशन की जाए तो 6GB रैम के साथ 128GB का इसमें स्टोरेज मिलता है, 8GB रैम के साथ इसमें 128GB का स्टोरेज मिलता है, और 8GB के साथ इसमें एक और 256GB का इसमें एक मॉडल जो है वो पेश किया गया है। बात की जाए डिवाइस के अगर कलर के बारे में, तो क्लाउड रेड, क्लाउड ऑरेंज, क्लाउड लेवेंडर और क्लाउड मिंट और क्लाउड नेवी और क्लाउड हाइट, यानी कि व्हाइट के लिए जो सबसे बेस्ट कलर है ये इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो हम आपको बताते हैं कि 2 अक्टूबर से उपलब्ध कराया जाएगा ये, जबकि फ़ोन जो है वो 4G के और 5G के दोनों के जो मॉडल है उनके प्री ऑर्डर भी लॉन्च होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि ये फ़ोन मार्केट में कितना टिक पाता है। अब बात की जाए यहाँ पर अगर इसके 4G वेरिएंट के बारे में, तो ड्यूल सिम के साथ साथ इसमें नैनो और eSIM दोनों को सपोर्ट मिलता है। और सैमसंग गैलेक्सी S20 FE जो है वो एंड्रॉयड 10 पर आधारित है और One UI 2.0 इसमें अभी करंटली चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम के अंदर 2.5 भी इसमें चल जाएगा। तो अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का इसमें देखने को मिलेगा। और सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले ओ मिलता है जिसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 20.9 होगा। 120 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश लेस से आता है और डिस्प्ले कोरोना ग्लास 3 के द्वारा इसमें सुरक्षित किया गया है। अब अगर PPI की बात की जाए तो 407 PPI इसमें डेंसिटी आती है और गैलेक्सी S20 FE 4G वेरिएंट में ओक्टा कोर का एक्सोनियस 990 चिपसेट देखने को मिलता है। वहीं अगर कंपनी की बात की जाए तो 5G हैंडसेट जो है उसके अंदर ओक्टा कोर का क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 865 चिपसेट के साथ आता है जिसकी रैम जो होगी वो होगी 8GB। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अगर इसके कैमरे की, तो फोटो और वीडियो के लिए सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में ट्रिपल रियल कैमरे का सेटअप आता है जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जिसका f/1.8 एंगल का लेस है। ऑप्टिकल इमेज रेजोल्यूशन इसमें आपको प्रीफिल मिलेगा और ड्यूल फेस डेंसेंस ऑटो फोकस इसमें लेस आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस सेटअप में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर भी मिलता है जिसका जो एपर्चर लेवल है वो 2.2 का है और 123 डिग्री इसके अंदर जो है वो ऑफ व्यू मिलता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी पिक्चर आप ले सकते हैं। और आखिरकार अगर बात की जाए लास्ट वाले अगर ऑप्शन की, यानी कि 8 मेगापिक्सल टेली फोटो के बारे में, तो इसका लेपेचर जो है वो होगा 2.0 का। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए S20 FE में फ्रंट का जो कैमरा है वो होगा तकरीबन 32 मेगापिक्सल का। अब अगर इसकी बात की जाए अगर एपर्चर लेवल की, तो 2.0 का इसमें भी आपको एपर्चर मिल जाएगा और फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको ऑटो फोकस जो है वो भी सपोर्ट मिलेगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में आपको 256GB का UFS 3.1 फास्टेस्ट स्टोरेज मिलता है। 4G फ़ोन के बारे में अगर बात की जाए और 5G बात की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे फंक्शन है जैसे कि इसका LTE वर्जन हो गया या फिर वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, GPS हो गया, 8GPS हो गया, ये सारे जितने भी सेंसर्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे सिमिलर। अब अगर बात की जाए इसके हेडफोन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 1G के जो स्पीकर्स हैं जो कि S20 FE में आते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी देखने वाली ये है कि ये जो फ़ोन है वो है IP68 रेटिंग के साथ पेश किया गया है और फ़ोन की जो बैटरी है जो कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो है 4500 mAh की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक ठीक यहाँ से देखा जाए तो फ़ोन की सबसे ठीक है। अब अगर बात करते हैं सबसे यहाँ पर डीप अगर पोजिशन के बारे में, तो हम आपको बताते हैं कि 15W का फास्ट चार्जिंग यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है जबकि होना चाहिए था 45W का। अब अगर बात की जाए दूसरी बताते हैं कि गैलेक्सी S20 FE के जो डायमेंशन है वो है 590
2.2, यानी कि अगर देखा जाए तो वजन के मामले में तो यह 190 ग्राम का ही होगा। अब अगर दोस्तों अगर आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि ये जो फ़ोन है वो कितना ज़्यादा मतलब स्पॉन्स करता है या कितना ज़्यादा मतलब मार्केट में टिक पाता है, फैन एडिशन के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये तो रिव्यू ही बता पाएंगे। आई होप कि दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।